भाई ऊपर आगरे के ना हो तो भर लियो भर जरा। हाँ 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 ओके यहीं आप दिवाल आवे जो आगे शू काम जाओ भाई पास भी जूम करो नहीं यार तूने कौन ना पड़े फोन पे तो भाई थका एक वीडियो जो नहीं यार चलो एक सेकंड पता कही दी कांस्टेबल है उसका पूरा नाम मोहम्मद सज्जाद सन ऑफ मोहम्मद इम्तियाज है और जो राजौरी के मंजाकोट तालुका का सुरू लगाव है वहाँ का रहने वाला है और गांधीधाम में जो 73 बटालियन जो BSF की है उसमें एक कंपनी में वो अपनी ड्यूटी करता है। वो आदमी अपने मोबाइल से BSF की जो सेंसिटिव मैटर होती है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो पड़ोसी देश को शेयर करता है उसके बदले में पैसे लेता है और देश के खिलाफ वो गद्दारी करके देश के खिलाफ लड़ने की साजिश कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से ATS के SP इम्तियाज से DYS PVH चावड़ा और PI BB पटेल ये लोगों ने इंक्वायरी शुरू की थी। इंक्वायरी के दौरान इनको जानने मिला था कि ये जो आदमी है मोहम्मद सज्जाद उसने अपना एक मोबाइल लिया था जो मोबाइल उन्होंने चेक करवाया तो उसके नाम पे ही था और उसमें इसने अपनी बर्थ डेट 1/1/92 बताई हुई थी। उसके बाद उसका एक पासपोर्ट था वो पासपोर्ट चेक किया तो उसमें अपनी पासपोर्ट में उसने अपनी बर्थ डेट 30 जनवरी 1985 दिखाई थी मतलब अलग अलग दिखाई थी। ये पासपोर्ट के जरिए वो एक बार अटारी से पाकिस्तान भी जाके आया था वहाँ पे 46 दिन तक रुका हुआ था ये भी इन्फॉर्मेशन हमको मिली इंक्वायरी के दौरान। उसके बाद वो दूसरा एक नंबर यूज़ करता था वो नंबर उसने यूज़ किया था तो वो नंबर की तफ्तीश की तो उसमें भी हमको जानने मिला कि ये नंबर पे से उसने एक बार OTP लिया था वो OTP उसने शेयर किया हुआ है किसी और कंट्री में पाकिस्तान जैसे और वहाँ से उसका वो व्हाट्सअप चल रहा है हालांकि फ़ोन बंद हुआ था। और ये सब डिटेल देखते हुए हमको लगा कि ये तो काफ़ी सेंसिटिव है और ये काफ़ी नुकसान करने वाली मैटर है तो इसके हिसाब से हम लोगों ने आज रोज यहाँ पे BSF में आए थे। BSF में भुज में जो इनका हेडक्वार्टर है वहाँ के ये सज्जाद आदमी को पकड़ा हुआ है उसको पूछ परख किया हो तो उसके पास से दो मोबाइल मिले दो एक्स्ट्रा सिम कार्ड मिले हैं और जानने मिला है कि वो ये मतलब अपने मोबाइल से ये सब सारी हकीकत BSF की गुप्त इन्फॉर्मेशन पड़ोसी देश को भेज रहा था ये बात सही है और आगे की तफ्तीश चालू है। सर अब तक क्या जानकारी उसने भेजी है ऐसा हमारे इंट्रोगेशन में सामने आया? अभी तक इंट्रोगेशन में तो वो BSF की जो मूवमेंट होती है BSF की ट्रूप्स कहाँ चलती है वहाँ पे कौन कौन ऑफिसर डिप्लॉय किए हुए हैं वो ऑफिसर की क्या मतलब जिम्मेदारी है वो सब आगे वो भेजता है। पाकिस्तानी काउंटर पार्ट किसको भेजता था वो इन्फॉर्मेशन और जरिया क्या था? जरिया व्हाट्सएप का था मोबाइल व्हाट्सएप से भेजता था। और पाकिस्तान काउंटर पार्ट कौन था? वो अभी तो अंकल करके बता रहा है लेकिन उसकी इंट्रोगेशन अभी चालू है। इससे पहले वो कहाँ डिप्लॉयड था और वहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी? कहाँ से? इससे पहले वो ड्यूटी पर कहाँ इंप्लॉयड था और वहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी? वहाँ की तो वो तो ड्यूटी पर वो अभी बाकी है हमको तो यहाँ से मिली। गांधीधाम में कब से डिप्लॉय था वो? गांधीधाम 2 महीने से डिप्लॉय। उससे पहले सर कहाँ? उससे पहले वो त्रिपुरा की तरफ। अभी सर क्या कार्रवाई उसके सामने हो रही है? अभी उसके खिलाफ हम ऑफेंस रजिस्टर करेंगे उसके बाद उसको इसमें अरेस्ट करके उसके रिमांड लेंगे और इंट्रोगेशन चालू है। जो मोबाइल मिला है उसमें से क्या क्या सामान हमको बरामद? वो उसको हम सीज करके FSL में भेजेंगे उसने क्या क्या डिलीट किया या तो क्या क्या सेंड किया उसको रिट्रीव करके उसके आगे इंक्वायरी करेंगे। सर कितने समय से सारी चीजें वो भेजता था पाकिस्तान? ये अभी तक जो हमको इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से तो ये 5-6 सालों से भेज रहा था लेकिन अभी हम इसकी इंट्रोगेशन और उसकी सर क्या प्राथमिक जानकारी में ऐसा सामने आया कि डिफेंस में ज्वाइंट होना कोई मकसद के साथ वो ज्वाइंट हुआ था? हाँ मैंने बताया कि वो जब BSF में रिक्रूट हुआ तो उसने अपनी बर्थ डेट गलत लिखवाई थी हालांकि जो पासपोर्ट में उसकी बर्थ डेट अलग है
और इसने जो यहाँ बीएसएफ में भी अलग हुई है, मतलब ये हम मान सकते हैं कि बीएसएफ में रिक्रूट होने के लिए एक लिमिटेड एज होती है, उसकी ओवर एज हो गई थी और ये रिक्रूट होने से पहले पाकिस्तान विजिट कर चुका था, तो मतलब आने का मकसद यही होगा कि गलत इन्फॉर्मेशन दे के, गलत बर्थ डेट लिखवा के बीएसएफ में एडमिट होना और फिर यहाँ की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना। बदले में क्या मिलता था उसको सर? कैसे मिल जाए, अभी तक कितना मिला होगा? अभी तक तो उसकी एंट्री की हम इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आगे आगे उसमें पता चलता जाएगा। धन्यवाद।